गाइस वेलकम टू द चैनल अगेन। मेरा नाम है विवू और स्वागत है गाइस एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास में टाटा की दो ऑफरिंग्स हैं, एक टाटा सफारी जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, यानी कि ये फ्लैगशिप वेरिएंट है। हालांकि ये जो है ये आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में फ्लैगशिप मान सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में दो ही ऑफरिंग है एज ऑफ नाउ। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा जो है ऑलरेडी नोन फॉर टाटा टिगोर, और उसके बाद में टाटा ने ये वाली गाड़ी लॉन्च की थी। इसके पावर फिगर्स ज़रा जान लेते हैं, 129 bhp की पावर फिगर्स हैं इसकी और 247 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये जनरेट करती है इनिशियल आरपीएम पे, और इसका मोटर तकरीबन 18,000 आरपीएम तक जो है वो रेव करने की क्षमता रखता है, और रेंज जो है वो एक्सपेक्टेड रेंज जो एक्चुअली में आती है लोग डेली लाइफ में इसको निकाल पाते हैं तकरीबन 200 किलोमीटर के आसपास तक। इसकी ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ तो ये 2.0 लीटर का कायरोटेक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, कायरोटेक एक्चुअली कोड नेम दिया है टाटा ने इसको, और 170 PS की पावर प्रोड्यूस करता है 350 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। तो अमेजिंग कॉम्बो होने वाला है, ऑल दो दे डू नॉट यू नो कम्पीट विद ईच अदर, रीज़न बींग जो पावर टीरियन से दोनों की वो अलग अलग टाइप है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है एक कम्प्लीटली IC इंजन बेस्ड है। तो ठीक है, अब करते हैं, मेरे साथ में आयुष, तो आयुष एक्चुअली सफारी चलाने वाला है एंड आई विल बी लॉन्चिंग दिस कार। स्विच कर लेंगे दो जो है ना वो हम लोग यहाँ पे शॉट्स लेंगे, पहले शॉट में मैं इस गाड़ी को चलाऊंगा, दूसरी गाड़ी को चलाएगा आयुष, और सेकंड शॉट में आयुष जो है वो इस गाड़ी को चलाएगा, मैं इसमें चलाऊंगा। तो फिलहाल मैं अंदर चले जाता हूँ और कैमरे के पीछे जो है ना वो आयुष एक्चुअली, तो लेट्स जस्ट कम टू द कार और चलते हैं फिलहाल। शॉर्ट में एक्चुअली ईवी ऑब्वियसली एज थॉट जो है वो आगे चली गई है और मैं इसको सफारी को फिलहाल चलाने वाला हूँ। तो यहाँ से लगा देते हैं सीट बेल्ट पहले और चलो। Shit man, we are already at 110. काफी सही है यार, काफी सही है। सो गाइस एज एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही यहाँ पर विन होना था, रीजन बीइंग इट हैज मोर बेटर एरोडायनामिक्स, ड्रैग कोफिशियंट इस गाड़ी का ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से भी देखोगे कोई भी होल्स वगैरह नहीं है, रीज़न क्योंकि ड्रैग कोफिशियंट कम रखना है। ऑन द अदर हैंड इधर जो है ना वो होल्स वगैरह आपको देखने को नज़र आएंगे, क्योंकि इसमें हीट कन्वेक्ट होती है, ऑब्वियसली हीट जनरेट इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, तो इसलिए ड्रैग कोफिशियंट भी इसका हम है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लो है, जिस वजह से इसको केवल एक एडवांटेज नहीं मिलता है, 3-4 एडवांटेजेस मिलते हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यू ऑलरेडी नो कि मोटर्स उनके अंदर होते हैं जो 0 RPM पे ही आपको सबसे ज़्यादा टॉर्क फिगर्स देते हैं। इनके ग्राफ्स अगर आप पावर टू टॉर्क ग्राफ्स जो है ना कभी भी रीड करोगे, यू विल गेट टू नो कि कितना डिफरेंट है दोनों के कैरेक्टर स्केचेस, दोनों के ही मतलब ईवी और आईसीई। सो यस, हियर इज द विनर, और ये है विनर। ऐसी ही कुछ और अमेजिंग वीडियो अगर आपको देखनी है तो बने रहो चैनल पे यार, क्यों छोड़ के जा रहे हो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो इस वीडियो को, और लगातार बने रहो हमारे साथ में हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, हियर इज माय इंस्टाग्राम ID, और नीचे जो है वो हमारे चैनल की इंस्टाग्राम ID है, वहां पर जाके हमें फॉलो कीजिए। मिलते गाइस एक और नई वीडियो के साथ में, अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइस।